हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम यूजर में। जोहार नवोदय विद्यालय 2021 के सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है, चाहे आप कोई भी स्टेट से क्यों ना हो, और आपका कितना नंबर में आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा बच्चों, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो या तो एससी से हो बच्चों। तो वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पर डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 ITJEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चों कि प्रत्येक जोहार नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें होती है, 80 सीटों रहती है बच्चों। जब ये 80 सीटों में से कुछ सीटें खाली रह जाती है, खाली कैसे रह जाती है, बहुत सारे बच्चे टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करवा पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल में छट जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है, तो कोई सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए एग्जाम देते हैं, एडमिशन नहीं कराते हैं। तभी मान के चलिए 5 सीट खाली रह गया, तो इन 5 सीटों को भरने के लिए फिर से जोहार नवोदय विद्यालय सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करते हैं बच्चों, और इसी सेकेंड मेरिट लिस्ट को वेटिंग लिस्ट भी हम लोग कहते हैं, और कोई कोई सेकंड मेरिट लिस्ट भी कहता है। तो यह लिस्ट आपका कब तक आने वाला है बच्चों, देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में आपको दिखाया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है बच्चों, उन सभी चैनलों से आपको दिखाते मैं आपको कौन कौन से चैनल में दिखाया जा रहा है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। जैसे ही YouTube पर आते होंगे और सर्च करते होंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट कब तक आने की संभावना है, तो कब तक आ रही है, तो आपको इस तरह से कुछ वीडियो नजर आता होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे इस तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, न्यू नोटिस देख सकते हैं, ऐसे चेक करो सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट अभी तक आया ही नहीं बच्चों, अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट आया ही नहीं। आपको देखिए ये लड़का आप लोग देख सकते हो ना, ये लड़का देखिए प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करता है, देखिए फेल बच्चे कैसे देखें रिजल्ट, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए आपको देख सकते हैं इस तरह से, देखिए प्रत्येक दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक दिन यहाँ पे आप लोग देखिए 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 वेटिंग लिस्ट का किस प्रकार से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इन चैनलों से पहले आपको दूर रहना है बच्चों, इन चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, तो वीडियो देखिए ही मत इन सब चैनल को, समझे ना आप लोग, ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक ना। देखिए आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, 10,000 बच्चे हुए 5 सेकंड मेरिट लिस्ट में, यहाँ से देख सकते हैं आपको जितना भी मैं इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ रहा हूँ, प्रत्येक ये 3 सप्ताह पहले का है, 3 सप्ताह पहले का, देखिए बच्चों 3 सप्ताह पहले, रोज प्रत्येक दिन आपको एक ना एक वीडियो नया मिल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है बच्चों। आप लोग देखिए ये एक दिन पहले का वीडियो है, एक दिन पहले का वीडियो, और इसमें बताया जा रहा है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको चेक किस तरह से करना है ठीक ना। और ये लोग क्या करते हैं कि वो चेक करवाते हैं अपना, लिखिए मेरा वेबसाइट अजय विद्यागण.com, अजय विद्यागण.com आप लोग लिखते हैं, उसी का वेबसाइट है, आप लोग जाके वहां पर ट्रैक फी बना देते हैं, उससे भी वो पैसा कमा रहा है आपको बेवकूफ बना के, और उसका वीडियो देख रहे हैं उससे भी वो पैसा कमा रहा है बेवकूफ। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कि पैसा कमाना, समझना आपको सही जानकारी देना मेरा मकसद है बच्चों, किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन सा चैनल है आपको इस चैनल को नहीं देखना, देख सकते हैं अजय विद्यागर, ये चैनल को सबसे पहले आपको अनसब्सक्राइब करना है बच्चों, इस चैनल को, इस चैनल से आपको दूर दूर रहना है। प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है, और उस वीडियो पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यही बताया जाता है कि 80 सीटें होती है और इसमें एडमिशन इस तरह से होता है, उस तरह से होता है, और लास्ट में बताया जाता है कि आप इस वेबसाइट पर जाइए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी बच्चों, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है, समझे ना। कोई अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आई, कब तक आएगी, अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चों, आप सभी का रिजल्ट कब आया था, 28 सितंबर को आप सभी का रिजल्ट आया था बच्चों, लगभग आज से 2 माह पहले, 2 माह से ज्यादा हो गया बच्चों, 27 को ही रात को आ गया था 9 बजे, लेकिन मान के चलते हैं 28 सितंबर को आपका रिजल्ट आया था बच्चों, और आज कब हो गया, आज आपका 6 दिसंबर हो गया बच्चों, और अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया है बच्चों। देख मैं असल में आपको बता देना चाहूंगा कि 2 माह, जो 2 माह आप देख रहे थे ना बच्चों, ये 2 माह जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था उन सभी बच्चों का एडमिशन चल रहा था बच्चों, उन सभी बच्चों का एडमिशन चल रहा था, इसी वजह से अभी तक आपका सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आया था उन सभी को। अब एक बार क्या होगा, अभी 15 दिन आपको टाइम दिया जाएगा, उन सभी बच्चों को 15 दिन टाइम दिया जाएगा बच्चों कि आप एडमिशन कराइएगा कि नहीं कराइएगा, 15 दिन टाइम दिया जाएगा उन सभी बच्चों को, आप लोग कराइएगा कि नहीं करवाइएगा, ये 15 दिन का टाइम पूरा हो चुका है बच्चों। उसके बाद अब क्या किया जाएगा आपका, एक बार और उसे कॉल करके पूछ लिया जाएगा, क्या 1 दिन 2 दिन आपके पास टाइम है, अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। उसके बाद क्या होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का जो कितना बच्चे खाली रहेगी सारे बच्चों को, उसके बाद फिर से क्या होगा कि देखिए क्या होता है, मान के चलिए किसी बच्चे का 100 नंबर आया था, 80 मान के चलिए 80 नंबर तक किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद 79 नंबर वाले बच्चों के देखा जाएगा कौन से बच्चे
79 नंबर वाले उन सभी का सिलेक्शन होगा, कौन से बच्चे 78 नंबर मार्क्स वाले बच्चे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा, समझे ना। इसी प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। तो मैं आपको बता देना चाहूँ आप सभी का सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है, दिसंबर की लास्ट वीक, दिसंबर की लास्ट वीक से पहले आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली बच्चों। हो सकता है तो जनवरी की फर्स्ट वीक भी जा सकता है, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक से पहले आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली बच्चों, समझ गए ना। तो इधर उधर से भागने से कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ डिस्टर्बेंस उन सभी का बिजनेस है कि इस तरह से मेरा वीडियो चले और क्या जाएगा, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझे ना। दिसंबर के लास्ट वीक में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना है बच्चों। देखिए यही लड़का है वो जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बार बार आपको ये लड़का बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो इसको रिपोर्ट करिए आप लोग, समझे ना। और इन सभी वीडियो को आपको नहीं देखना है, और जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।